चलो जी, नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में तुम लोगों को मैं एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा था लास्ट क्लास में, जिसमें मैं बात कर रहा था वो ट्यूनिंग वगैरह की, याद है तुम लोगों को, है ना। ट्यूनिंग में जैसे अरे कि रेजोनेंस के साथ हम टीवी चैनल्स, जो रेडियो का सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर सिग्नल, अगर हमने 91.1 की सुनना है तो वो कैसे सुनेंगे, है ना, बिग एफएम ही सुनना है तो वो कैसे सुनेंगे, है ना, या स्टार प्लस से हम सोनी पे स्विच कर जाते हैं तो सोनी ही कैसे दिखता है। मेरे पास जो एंटीना लगा है, जो डिश टीवी है, डिश टीवी की ऊपर जो डिश लगी है, उसमें तो सारे सिग्नल इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, सबकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन मेरे टीवी को कैसे ज्ञात हुआ, मेरे टीवी को कैसे ज्ञात हुआ कि मेरी इच्छा जो है वो अभी सोनी टीवी देखने की है, कपिल शर्मा शो देखने की है, कैसे पता लगा उसे है? उसे कैसे पता लगा? मैंने बताया उसे, बिल्कुल बताया, रिमोट से बताया, मैंने 112 नंबर लगाया, लेकिन रिमोट से 112 नंबर लगाते ही वहां पे सोनी टीवी कैसे आने लग जाता है? या जो तुम लोगों ने पहले वाले वो देखे रेडियो, जिसमें वो ऊपर नॉब सी लगी होती थी, है ना, तो उस नॉब को थोड़ा थोड़ा घुमाते थे चर 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 करके, फिर एक एक सिग्नल सेट हो जाता था, है ना, तो थोड़ा और आगे घुमाएंगे, हाँ एंटीना, है ना, तो उसको नॉब को थोड़ा सा और आगे घुमाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा चर 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 फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फिर थोड़ा वो खर 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 करता है और फिर दूसरा सिग्नल सेट हो जाता है, राइट। तो एक बार वो बिग एफएम सुनने लगता है, फिर दूसरी बात ये रेडियो सिटी सुनने लगता है पटियाला। तो ये कैसे होते हैं, हाउ डज दिस मैजिक हैपन, है ना, तो वो सब कमाल है किसका, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट का, है ना, तो उसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। अब मुझे पहले तो बच्चों ये बता दो, ये रेजोनेंस होता क्या है, मैं तो भूल गया, आपको याद है रेजोनेंस, याद है किसी को क्या होती है? कक्षा 11वीं में पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी मैच करना। मेरे को अनम्यूट करके कौन बताएगा? बताओ हरदास। सर जब किसी मतलब जो साउंड का सोर्स होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसी दूसरे बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो वो वायलेंटली मतलब वाइब्रेट करने लग जाता है। बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसको दोबारा ना एक बार बेसिक से कर लेते हैं, रेजोनेंस होता क्या है, है ना। तो रेजोनेंस में तुम लोगों को याद होगा मैंने एक एग्जांपल दी थी प्लस वन में कि अरमन टिक जा, मैंने एग्जांपल क्या दी थी याद है रेजोनेंस का, जब हमने टॉपिक किया था प्लस वन में, तो कौन कौन ले रहा था झूला, अर्षित ले रहा था शायद, है ना, तो अर्षित जब झूला ले रहा था, ये पता नहीं गर्वर राहुल थे, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा किसकी एग्जांपल, अर्षित था, अच्छा तो अर्षित क्या है, अर्षित झूला ले रहा था तो उसको जब झूला दे रहे हैं, देखो झूला जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक टाइम पीरियड, एक पेंडुलम की तरह है, है ना, तो वो क्या है, वो एक टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड है मतलब उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है। अब झूला देने वाला जो उसका साथी है, उसका जो दोस्त है, वो उसके जो पीछे खड़ा है उसको झूला दे रहा है, धक्का मार रहा है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ उसको धक्का मार रहा होगा, मान लो हर सेकंड में एक बार धक्का, ठीक है, और जो
ये अर्षित है वो भी जो झूला ले रहा है वो भी हर एक सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा, वो अगर वो एक सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है और पीछे से उसके दोस्त ने भी एक सेकंड में एक बार उसको धक्का दिया, तो क्या होगा, वो उसके एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने देगा। इनफैक्ट उसकी फोर्स पे ये भी डिपेंड करेगा कि वो उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस कौन था, अर्षित का झूला, एक्सटर्नल सोर्स कौन था, जो राहुल धक्का मार रहा था उसको पीछे से, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल सोर्स और जब अर्षित का झूला, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गई तो अर्षित के झूले लेने की एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया और वो ऊंचा और ऊंचा ऊंचा झूला लेने लग गया। सेम थिंग हैपेंस इन वेव्स जो हमने लास्ट चैप्टर किया था 11th में, एंड सेम थिंग हैपेंस इन दिस आरएलसी सर्किट एज वेल, ठीक है। तो रेजोनेंस आई होप आप लोगों को याद आ गई होगी कि जब किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल बिकम्स हाई या एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल इंक्रीजेस। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। क्या ये बात चमकी हर एक को? अगर ये बात चमकी तो हम आगे बढ़े। ये बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब क्या सर, होगा अगर जो पीछे से इसमें, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड उससे भी ज्यादा नहीं इंक्रीज हो जाएगा क्या सर? जैसे मतलब जो पीछे से धक्का मार रहा है जो व्यक्ति, अगर उसने ज्यादा फोर्स लगा दी तो फिर बिल्कुल जो एम्पलीट्यूड तो झूले इंक्रीज हो नहीं, जाएगा, वही तो होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस में यही तो होता है। अर्षित को टेंशन हो गई कहीं गिरी ना जाए, है सर रेजोनेंस तो मतलब एक फिक्स फोर्स की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा। फोर्स की वैल्यू पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, द ओनली एंड ओनली कंडीशन, ठीक है। अब हम आते हैं आरएलसी सर्किट पे। अब आरएलसी सर्किट में भी ऐसा ही होता है। अब क्या हो रहा है, जो ऊपर जो डिश है, डिश लगी हुई है, वो डिश सारे सिग्नल्स को रिसीव कर रही है। स्टार प्लस भी आ गया है और ये सोनी टीवी भी आ गया, सब टीवी भी आ गया है, और ये कौन कौन से होते हैं, जी न्यूज भी आ गया, अपना स्टार न्यूज भी आ गया, बहुत सारे चैनल्स आ गए, 10 चैनल्स आ गए, सबकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज। सपोज मान लो, दो दो ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है, मान लो स्टार है, स्टार प्लस है, 100 मेगाहर्ट्ज है ना, और सोनी है मान लो 200 मेगाहर्ट्ज। अब क्या हो रहा है ना, मैं दो की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे ऐसे ऐसे ही बहुत सारे हैं, 300 400 मेगाहर्ट्ज पे आ रहे हैं सब। अब क्या होगा, मेरा मेरी इच्छा की सोनी टीवी देखने की, अब कैसे पता लगेगा, अब डिश को कैसे पता लगा? डिश ने तो क्या किया, सारे सिग्नल्स रिसीव किए, आगे सर्किट को भेज दिए, सारे सिग्नल रिसीव किए, आगे सर्किट को भेज दिए, ठीक है, टीवी को आगे भेज दिए। या अगर हम रेडियो की भी बात कर लें, तो रेडियो सिटी भी आ रहा है और ये बिग एफएम भी आ रहा है ना, तो उस रेडियो के एंटीना ने, डंडे ने दोनों सिग्नल रिसीव किए और आगे भेज दिए। अब मैंने क्या किया, वहां पे एक नॉब लगी है, क्या लगी है, एक नॉब लगी है, नॉब को मैंने घुमाना शुरू किया। अब नॉब का घुमाना एक्चुअली करता क्या है, इनके अंदर लगा होता है आरएलसी सर्किट, इन डिवाइसेस के अंदर लगा होता है क्या, आरएलसी सर्किट। अब ये जो आरएलसी सर्किट है, ये जो आरएलसी सर्किट है, इसमें जो कैपेसिटर है, दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर, है ना। जब हम नॉब को घुमाते हैं तो या तो कैपेसिटर को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, या तो कैपेसिटर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, राइट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरएलसी सर्किट? ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, भूल गए, दो लेक्चर पहले की थी। जब काई एल बराबर काई सी होता है तो ओमेगा एल बराबर 1/c ओमेगा होता है, तो यहां से ओमेगा
√LC आता था, ओमेगा क्या आया था, 1/√LC, हाँ के ना, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को जब ये दोनों बराबर होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा नॉट से। अब क्या किया मैंने, कैपेसिटर को सपोज इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं कैपेसिटर को इंक्रीज कर रहा हूं तो ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होना शुरू हो गई। कैपेसिटर को इंक्रीज कर रहा हूं, ओमेगा नॉट कम होना शुरू हो गया। मान लो अभी ओमेगा की वैल्यू थी 150, 140 रह गई, 130 रह गई, 120 रह गई, 110 रह गई, और हो गई 100 पूरी, 100 MHz हो गई पूरी। ये 100 MHz किसके साथ मैच कर गई, स्टार प्लस के साथ। किसके साथ मैच कर गई, स्टार प्लस के साथ, ठीक है। तो सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैचेस विद दी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार प्लस, जिसके कारण स्टार प्लस के जो सिग्नल्स हैं उनका जो करंट है वो मैक्सिमाइज कर जाएगा। करंट की कर्व्स हर एक की बनेंगी, लेकिन स्टार प्लस का करंट का कर्व सबसे ऊंचा बन जाएगा। करंट का इसका करंट की स्ट्रेंथ, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें स्टार प्लस दिखने लग जाएगा। या हम रेडियो सिटी की अगर मान लो 100 है, 91.1 होती है, तो यहाँ पे है ना, तो हमें वो सुनने सुनाई देना शुरू कर जाएगी। जैसे ही ये ओमेगा नॉट 91.1 पहुंचेगी, हमें रेडियो सिटी जो है वो क्लियरली सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो दिस हैपेंस बाय, दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूनिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूनिंग ऑफ RLC सर्किट। इसके साथ हम ट्यूनिंग मतलब ट्यून करते हैं अपने सर्किट को, और उसमें प्रीसेट होता है। जैसे 112 नंबर पे जब हम प्रेस करते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो उनमें प्रीसेट वैल्यूज होती हैं। तो 112 प्रेस करेंगे तो अपने आप 100 पे सेट हो जाएगा, 100 पे मतलब 100 MHz पे। जो ये तो मैंने एग्जांपल लिया, पता नहीं क्या फ्रीक्वेंसी होती है सोनी की, जो भी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा, और अपने आप ओमेगा नॉट की वैल्यू अपने आप सेट कर देगा अंदर वेरिएबल चीजों को चेंज करके। और ऊपर से जो सिग्नल जा रहे हैं उसमें से सोनी की वैल्यू के साथ मैच करा देगा, और मेरे को उसकी उसका जो है वो सिग्नल दिखने लग जाएगा। तो सेम थिंग हैपेंस फॉर एवरी डिवाइस विच इज, जैसे रेडियो हो गया, ये हो गया, सिग्नल लगा के तुम लोगों ने वो भी देखा होगा, पहले जो एंटीना लगे होते थे वो डंडे से वाले, है ना, याद है, ऐसे ऐसे एंटीना होते थे वो। जी सर। हाँ, गर्ब बोला ना, ये सॉरी दक्ष बोला, तो ऐसे एंटीना लगे होते थे, ऐसा कुछ है ना, वो भी क्या है, वो दिस एक्ट्स एज एंटीना। हम नीचे से रिमोट से एक ट्यूनर चला देते हैं, अभी भी होता है, जैसे कार्स वगैरह में भी होता है, या रेडियोज वगैरह में जिसके पास होगा, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, वहां पे एक ऑटो सेट कर देते हैं, है ना। जब ऑटो सेट करते हैं हम, तो वहां पे क्या होता है, अपना जो ये RLC सर्किट है वो वेरी होना शुरू हो जाता है अपने आप ही। जैसे ही किसी के साथ मैच होता है, वहां पे अपने आप वो सेट कर देता है उस नंबर को। गाड़ी में भी ऐसे होता है, गाड़ियों में आजकल जो आती है उसमें ऑटो सेट होती है, वो मतलब ट्यून करने के लिए, वहां पे ऑटो सेट चला दो रेडियो के लिए। तो जैसे ही 91.1 गुजरेगा तो उसको पता लग जाएगा कि 91.1 पे उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और वहां पे एक नंबर को सेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और फिर हम चैनल्स को सीक बटन से आगे पीछे कर सकते हैं। सर टीवी का रिमोट तो DC पे चलता है, तो मतलब ये तो फिर AC के लिए नहीं हो गया। अबे सर्किट टीवी के अंदर लगा है, उसका काम तो सिर्फ 112 सिग्नल पहुंचाना है वहां पे। कैपेसिटर तो टीवी के अंदर लगा है, रिमोट के अंदर थोड़ी है। टीवी के रिमोट का काम सिर्फ इतना है, अगर मैं टीवी को बोल के बता पाता कि भाई 112 लगा दे, तो वो काम है सिर्फ, उसको सिर्फ इतना बताना कि मुझे 112 लगाना है। मुझे कैपेसिटर की वैल्यू सपोज
1 माइक्रोफेरेट सेट करनी है, तो उतना करना है। आगे टीवी के अंदर लगा, टीवी के अंदर प्लेट लगी होती है बहुत बड़ी सी हरे रंग की पीसीबी प्लेट, उसमें लगे होते हैं कैपेसिटर, वो चेंज होते हैं। ठीक है, इधर जो एलईडी टीवी होते हैं वो तो डीसी पे नहीं चलते हैं? हैं सर जो एलईडी एक बात बता, एक बात बता जरा, एक बात बता, तो टीवी को कहाँ कनेक्ट करता है? सर एसी सॉकेट में, तो फिर जो एसी प्लग होता है, तो फिर सर उसके वहां पर सुना था सर मैंने किधर। अबे यार ठीक है, एसी के साथ ही चलते हैं। जो कंपोनेंट्स अंदर डीसी के साथ चलने वाले होते हैं उनके आगे एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है, जिन कंपोनेंट्स को डीसी की जरूरत होती है, समझ गया? ओके सर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दिस थिंग, है ना। इसकी एक और हम एप्लीकेशन करेंगे अगली क्लास में, वो है जो गेट लगे होते हैं एंट्री गेट्स, जो टू 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 बोलते हैं ना, जब हम कुछ हमारे सपोज चाबी है जेब में या पिस्तौल गन लेके घुस रहे हैं कहीं पे होटल में, तो वहां पे या मेट्रो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, तो जैसे ही हम घुसते हैं वहां पे टू 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 बोलता है, वो सिक्योरिटी अलार्म्स, करेक्ट, सिक्योरिटी अलार्म्स, राइट। तो हाउ डज दोज सिक्योरिटी अलार्म्स वर्क, उनका भी सेम ही फंडा होता है, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में बताता हूँ। ओके यशलीन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? तुम्हारा क्वेश्चन तो है नहीं कोई, दो रेडियो चैनल्स, हाँ यशलीन, दो रेडियो चैनल्स जो मिक्स होते हैं ना वो बीच की कहीं फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक का जो चैनल कर्व है, मान लो एक का कर्व जो है वो ऐसा बन रहा है, दूसरे का कर्व ऐसा बन रहा है, तो मैंने सपोज फ्रीक्वेंसी यहां सेट कर दी, ये वाली फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है, यहाँ पे दोनों के सिग्नल आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो इसलिए होता है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी दूर दूर रखी जाती है, मतलब बहुत दूर दूर, 100 MHz, 200 MHz, काफी डिफरेंस होता है, इसलिए ताकि मिक्सिंग ना हो चैनल्स की, है ना। इसका रीजन एक और होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, वो भी रीजन होता है, तो वो खैर वो तो लास्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी थ्योरी लिख लेंगे और इसके कुछ एक और एग्जांपल भी करेंगे, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, ओके नेक्स्ट, ओके चलो, बाय बाय, बाय सर, ओके बाय।